आईडी सेलेक्टर तक हमने कवर कर लिया था कि आईडी सेलेक्टर जो है वो क्या बोला है। अच्छा, अब हमारे पास है एक अदर चाइल्ड सेलेक्टर ना, तो ये तीन सेलेक्टर जो बाकी के बचे हुए ना, ये जो चार सेलेक्टर हैं, इसको हम ज़रा सरसरी सा देख लेते हैं। अब ये हो सकता है शायद उस तरह से समझना है, लेकिन अब हम ऑनवर्ड्स अभी जो भी कोडिंग करेंगे ना उसमें हम इनका इस्तेमाल करेंगे होपफुली, तो ये इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगा। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे आप देखें क्या बात हो रही है यहाँ पे, कि आपको एक ऐसा एंकर टैग टारगेट करना है जो एक एल आई के अंदर मौजूद है, ठीक है, एक एल आई के अंदर मौजूद है। मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे क्या किया था, इससे पहले हमने कहा था कि जी सबसे पहले कि एच वन पे लगा दो, एच टू पे लगा दो, टारगेट एलिमेंट जो था हमारा वो एच वन एच टू एच थ्री था। फिर हमने कहा कि यार अच्छा एक ऐसा एलिमेंट होगा जिस पर क्लास लगी हुई होगी नोट, कि जी उस पर जाके आप ये स्टाइल अप्लाई, अच्छा स्टाइल की ब्रैकेट भी खाली है लेकिन ये इसमें कुछ स्टाइलिंग इमेजिन कर लें आप कि लिखी हुई है। अच्छा, फिर इन्होंने बोला कि यार एक एलिमेंट आप डायरेक्ट क्लास नहीं लिख सकते क्योंकि क्लास एक से ज़्यादा पे अप्लाई हुआ है, तो समटाइम कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है अगर एक से ज़्यादा डेवलपर काम कर रहे हो। तो इन्होंने कहा यार आप एलिमेंट का भी नाम लिख दो, आप ये क्लास का भी नाम लिख दो। अच्छा, बट समटाइम मुझे ज़रूरत पड़ जाती है थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से इस काम को करने की। मिसाल के तौर पर मुझे हर उस एंकर टैग पे कोई स्टाइल अप्लाई करना है जो एल आई के अंदर मौजूद है, तो ये वो वाला है कि जी एल आई के अंदर एंकर टैग। अच्छा, ये इसको कहते हैं हम चाइल्ड सेलेक्टर, और चाइल्ड सेलेक्टर सिर्फ लगता है डायरेक्ट चाइल्ड के ऊपर। अब मिसाल के तौर पे एल आई के अंदर अगर कोई पैराग्राफ होगा ना और उसके अंदर एंकर टैग होगा तो वो उस पर नहीं अप्लाई होगा, जो एल आई में डायरेक्ट चाइल्ड होगा ना उसका एंकर टैग तो उसी पर अप्लाई होगा, ठीक है। तो ये हमने चाइल्ड सेलेक्टर देख लिया। अच्छा, उसके बाद है डिसेंडेंट सेलेक्टर। डिसेंडेंट सेलेक्टर और चाइल्ड सेलेक्टर ना ऑलमोस्ट एक जैसे हैं, लेकिन इन दोनों में जो मेजर फ़र्क है वो ये है कि चाइल्ड सेलेक्टर सिर्फ अप्लाई होता है डायरेक्ट चाइल्ड पर, लेकिन ये डिसेंडेंट सेलेक्टर जो है ना, ये मिसाल के तौर पर ये कह रहा है कि भाई पैराग्राफ के अंदर कोई एंकर टैग मौजूद हो उस पर लगा दो जाए, अगर कोई होगा तो लगा देगा, नहीं होगा तो नहीं लगाएगा। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं है कि पैराग्राफ का डायरेक्ट चाइल्ड होना चाहिए, अब इस पैराग्राफ के अंदर डिव हो, उसके अंदर डिव हो, उसके अंदर डिव हो, और उसके अंदर जाके एंकर टैग होगा ना, तो ये उस पर भी लग जाएगा, ठीक है। तो ये चाइल्ड सेलेक्टर और ये डिसेंडेंट सेलेक्टर, ये काइंड ऑफ एक ही चीज़ है, लेकिन इसमें फ़र्क दोनों में ये है कि एक सिर्फ डायरेक्ट चाइल्ड पर अप्लाई होता है और एक जो है वो चाइल्ड के अंदर चाइल्ड हो तो भी अप्लाई हो जाता है, ठीक है। डिसेंडेंट सेलेक्टर जो होता है इसको हम डिसेंडेंट अंग्रेज़ी में किस चीज़ को कहते हैं, कोई बता पाएगा आपने सुन, अंग्रेज़ी में डिसेंडेंट किस चीज़ को कहते हैं? ऊपर से नीचे की तरफ से। हाँ भाई, ऊपर से नीचे की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ। हाँ भाई, तुम बताओ। सर, हाँ सर, डिसेंडिंग ऑर्डर याद आ रहा है बस। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है बताओ, व्हाट इज डिसेंडिंग? सर, नीचे जाता जो होता है ना, बड़े से छोटे की तरफ जाता है उसको डिसेंडिंग कहते हैं। हाँ भाई, डिसेंडेंट्स किसको कहते हैं? अच्छा, डिसेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल सही कहा दोस्त ने कि जी ऊपर से नीचे की तरह जब आते हैं उसको हम कहते हैं डिसेंट हो रहा है, या डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं हम उसको, कि जी अगर कोई बड़ी गिनती से छोटी गिनती लिखी हुई है तो हम उसको डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो डिसेंडेंट लिखा हुआ है ना, डिसेंडेंट हम कहते हैं जो जो फैमिली ट्री में ना एक ऊपर मौजूद होता है बंदा और नीचे उस ट्री में जितने भी लोग होते हैं ना वो सारे उसके डिसेंडेंट होते हैं। मिसाल के तौर पर हम सब लोग किसके डिसेंडेंट हैं? हज़रत आदम के। हम सब लोग हज़रत आदम के डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। तो क्या कहते हैं, या जो मोर रीसेंट हैं, जैसे आप अपने परदादा जो हैं आपके, आप उनके डिसेंडेंट में से हैं, ठीक है। लेकिन चाइल्ड में क्या होता है कि जी एक बंदा होता है ना उसका डायरेक्ट चाइल्ड जो तीन या चार जो हैं वही होंगे, ऐसा नहीं होगा कि पूरी की पूरे ख़ानदान उसके जो है ना चाइल्ड नहीं हो सकते। हाँ, लेकिन एक अगर ख़ानदान का सरबरा है तो उसके ख़ानदान में अगर 200 भी लोग हैं तो वो सारे उसके डिसेंडेंट्स हैं, ठीक है। अब इसके लिए उर्दू में इसका क्या वर्ड यूज़ होता है ये मैं भूल गया हूँ, अभी एकदम मेरे जहन में नहीं आ रहा। उर्दू में भी एक वर्ड इसके लिए यूज़ होता है कि जी एक तो होता है ना आबाओ अजदाद, आबाओ अजदाद तो कहते हैं ऊपर की तरफ जो है, यानी मैं जो हूँ और मेरे से ऊपर की तरफ जो, उसको कहते हैं आबाओ अजदाद, और एक मेरे नीचे की तरफ जो फैमिली ट्री जा रही है साथ नहीं वो पूछते हैं तो कहते हैं ना वो ऊपर की तरफ जो जा रहे हैं फैमिली में जो, यानी मेरे जो बाप और उसके बाप दादा और उसके बाद परदादा, तो ये उसको कहते हैं ये पुश्ते हैं, ये पीछे है, ये आगे वालों को जो ये डिसेंडेंट आगे वालों को कहते हैं। तो इसके लिए भी उर्दू में एक वर्ड यूज़ होता है। इंग्लिश में तो एक वर्ड मुझे और जहन में आ रहा है, ब्लड लाइन कहते हैं उसको, कि
कि जो मेरी ब्लड लाइन है ना, मेरी ब्लड लाइन यानी मेरा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, उसको वो कहते हैं ब्लड लाइन है ये। तो उर्दू में भी इसके लिए बड़ा अच्छा एक वर्ड होता है, बट वो मेरे अभी जहन में नहीं आ रहा। वेल तो ये समझ गया आप डिसेंडेंट का मतलब क्या होता है। और डिसेंडेंट सेलेक्टर का मतलब ये है कि मैंने एक बात की कि जी पैराग्राफ के अंदर मौजूद जितने भी एंकर टैग हैं, यानी मिसाल के तौर पर पैराग्राफ का जो डिसेंडेंट्स होंगे ना पैराग्राफ के, वो कौन होंगे, पैराग्राफ के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं और उन एलिमेंट्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, वो सारे के सारे पैराग्राफ के क्या हैं, डिसेंडेंट हैं। तो मैं यहाँ पे ये बात कह रहा हूँ कि पैराग्राफ के डिसेंडेंट्स में से एंकर टैग जो जो है ना, उन पे ये लगा दो, स्टाइल लगा दो। स्टाइल का इसमें खाली है ब्रैकेट, लेकिन खाली होगा नहीं, यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लिखा करेंगे। अच्छा, अब उसके बाद देखें आप एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर। एडजेसेंट सिबलिंग क्या होता है जी, एक तो हमने देख लिया ना चाइल्ड और पेरेंट का रिलेशन देख लिया कि जी एक पैराग्राफ होगा उसके अंदर एक डिव होगा, या एक डिव होगा उसके अंदर पैराग्राफ होगा, तो ये डायरेक्ट चाइल्ड का एक रिलेशनशिप है। अच्छा, एक होता है सिबलिंग। सिबलिंग किसको कहते हैं अंग्रेजी में, कौन बताएगा? सिबलिंग सर वो जो अपने बहन भाई होता है। हाँ, बहन भाई को ना सिबलिंग कहते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास अगर चाइल्ड और पेरेंट्स हैं, क्योंकि HTML का जो स्ट्रक्चर है ना वो ट्री स्ट्रक्चर है, तो उसमें चाइल्ड और पेरेंट दोनों हैं कि जी एक अगर बॉडी है तो बॉडी सबका पेरेंट है, बॉडी के अंदर जो जो है वो सारे उसके चाइल्ड हैं, और चाइल्ड के चाइल्ड चाइल्ड के। अच्छा, जब चाइल्ड होते हैं ना, मिसाल के तौर पर बॉडी के अंदर मेरे पास चार डिव बने हुए हैं। अच्छा, तो बॉडी क्या हो गया, पेरेंट हो गया, और वो चारों डिव जो है वो हो गए चिल्ड्रन। लेकिन वो जो चारों डिव है वो आपस में क्या हो गए, भाई बहन हो गए, वो सिबलिंग हो गए, सही है। अच्छा, तो ये एडजेसेंट सिबलिंग सेलेक्टर है। अच्छा, ये चलें चार डिव नहीं मानते हम, हम कहते हैं कि जी एक हेडिंग है और तीन डिव है, तो ये हेडिंग और ये तीनों डिव ये आपस में ये सिबलिंग है सारे, तो टोटल चार सिबलिंग हुए, एक हेडिंग और तीन डिव हो गए। तो कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इट डजेंट मैटर, जस्ट वो ऑर्डर की बात है कि जी वो सारे सिबलिंग लेवल पे बैठे हो। तो मैंने कहा कि जी H1 के सिबलिंग्स में से जो पैराग्राफ है उसके ऊपर ये स्टाइल लगा लो। अच्छा, अब लेकिन यहाँ पे इन्होंने एक बात की है कि एडजेसेंट सिबलिंग, तो अब यहाँ पे क्या चक्कर होगा कि H1 का जो एडजेसेंट सिबलिंग है पैराग्राफ, ये उस पैराग्राफ पे ये स्टाइलिंग अप्लाई होगी। यानी हो सकता है H1 के सिबलिंग और भी हों पैराग्राफ, लेकिन ये उस पैराग्राफ पे अप्लाई होगा जो H1 के फौरन बाद आता है और H1 का सिबलिंग भी है, ठीक है। एडजेसेंट सिबलिंग यानी साथ खड़ा हुआ जो भाई है इसका, मिसाल के तौर पर बॉडी के अंदर एक H1 है और चार डिव है, ठीक है। तो मैंने कहा कि जी H1 और प्लस, और यहाँ लगा दिया मैंने डिव, तो पहले डिव पे अप्लाई होगा, बाकी दोनों पे नहीं होगा, सही है। एडजेसेंट सिबलिंग ये आ गया। अच्छा, अब आपके पास आ गया जी जनरल सिबलिंग। जनरल सिबलिंग का मतलब ये है कि जी दोबारा हम उसी एग्जांपल पे आते हैं कि एक मेरे पास बॉडी है, बॉडी में एक हेडिंग है और तीन डिव है। अच्छा सॉरी, हाँ तो तीन डिव है। अच्छा, मैंने कहा कि जी H1 के सिबलिंग में से, और यहाँ मैंने लिख दिया डिव, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल सिबलिंग, तो क्या होगा, H1 के सिबलिंग्स में जितने भी डिव होंगे ना सब पे लग जाएगा। एडजेसेंट में क्या होता था, सिर्फ पहले पे लगता होगा, बाकियों में नहीं लगता होगा। तो ये जी हमने ना रूल्स थोड़े पढ़ लिए, सेलेक्टर्स पढ़ लिए हमने सारे, कि जी ये पॉसिबल सेलेक्टर्स हैं। कुछ एक दो और भी रहते हैं जो इसी बुक में आगे आ जाएंगे, मजीद सेलेक्टर्स, ठीक है, वो थोड़े से मजीद एडवांस सेलेक्टर्स हैं, लेकिन इन सेलेक्टर्स को भी इस्तेमाल करते हुए ना जो अभी तक हमने पढ़ लिए सारे काम हो जाते हैं, ठीक है। ये इन सेलेक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए सारे काम हो जाते हैं, कहीं पे भी स्टक नहीं होते कि जी ये काम अच्छा है सेलेक्टर में हो नहीं रहा, ठीक है। लेकिन स्टिल बहुत सारे एडवांस सेलेक्टर्स और भी हमारे पास मौजूद हैं जो कि इसी बुक में आगे आने वाले हैं। अच्छा जी, हाउ CSS रूल कैस्केड, कौन ये बताएगा कि कैस्केड किस चीज़ को कहते हैं? कैस्केड का सब उर्दू माने तो आबशार है। आबशार है, हाँ भाई बताओ। सब मायने में बता दी भाई। हाँ भाई, नहीं तो ये जो लिखा हुआ ये बताओ ना कि CSS रूल कैस्केड का क्या मतलब है? हाँ, ये बहुत अच्छा आपने वर्ड यूज़ किया कि दोस्त ने कहा कि ये रूल का बहाव कैसे होगा, ये कैसे ये रूल बह के और फैलेगा। तो उसके जो है ना हमारे पास तीन रूल्स हैं कि ये कैसे फैलेगा, क्यों कि भाई ये स्टाइलिंग तो हम कर रहे हैं अलग से, और स्टाइलिंग क्या होता है, स्टाइलिंग जब हम अप्लाई करते हैं किसी भी एलिमेंट पे, तो वो एलिमेंट के ऊपर ऐसे, मिसाल के तौर पर हमने कलर लगाया किसी हेडिंग पे कलर लगाया, तो वो असल में हेडिंग पे यूँ फैल जाता है ना कलर उसके ऊपर, और वो हेडिंग मुझे लाल नज़र आने लग जाती है। तो अब ये उसका रूल क्या है कि भाई कैसे ये जो है ना
पेनेट्रेट करेगा आपके वेब पेज में, जो कैसे जो है ना ये पॉपुलेट होगा, तो उसके तीन रूल हैं। अच्छा, सबसे पहला ये कि जी लास्ट रूल, इफ़ टू सेलेक्टर्स आर आइडेंटिकल। अब मैंने एक जगह पे कह दिया कि भाई आप क्या कर दो, इटैलिक के टैग के ऊपर मैं स्टाइलिंग लगा रहा हूँ, मैंने कहा कलर ग्रीन कर दो, और मैंने कहा इटैलिक के टैग के ऊपर कलर रेड कर दो। अब ये दो सेलेक्टर मैंने एक साथ लगा दिए और दोनों में मैंने अलग अलग बात लिख दी। अब इटैलिक को या तो ये कलर देगा ग्रीन या तो ये कलर देगा रेड, दोनों तो एक साथ नहीं दे सकता, एक ही वक्त में एक ही देगा, तो क्या करेगा ये करेगा भाई कि द लेटर ऑफ टू विल टेक प्रेसिडेंस। अच्छा, द लेटर, लेटर ऑफ टू, लेटर का मतलब है बाद में आने वाला, बाद में। हेयर यू कैन सी सेकंड आई सेलेक्टर दैट टेक्स द प्रेसिडेंस ओवर द फर्स्ट। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ पे आई पे हमने लगाया है तो सेकंड वाले को ये ले रहा है प्रेफरेंस, बिल्कुल आइडेंटिकल है तो वो क्या करेगा, लास्ट वाले, लास्ट रूल को कंसिडर करेगा। यार ये क्या, किस चीज़ का शोर था, अचानक एकदम बंद हो गया ये सर, मशीन चल रही है यार, ये इतना शोर कर रही थी मशीन ये। हाँ देखो ज़रा यार, उसको बंद कर दो। अच्छा, दूसरा है जी स्पेसिफिसिटी, कि जी कौन सा जो रूल है ना वो ज़्यादा स्पेसिफिक होगा अगर, तो उसकी प्रेसिडेंस भी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि जी H1 इज़ मोर स्पेसिफिक देन स्टेरिक। अच्छा, अब ये स्टेरिक जो था ये क्या था, ये यूनिवर्सल सेलेक्टर था, कि जी स्टेरिक करके लगाओ तो वो सब पे ही अप्लाई हो जाता है, लेकिन H1 करके जब मैं लगाता हूँ तो फिर सिर्फ H1 पे अप्लाई होता है। तो अगर मैंने स्टेरिक करके कह दिया कि यार सबका कलर कर दो रेड, लेकिन फिर मैंने उसके बाद मैंने कहा कि जी H1 का कलर कर दो ग्रीन, तो ये जो स्टेरिक करके सब पे लगा था ना, तो वो H1 पे भी लगा हुआ था, लेकिन H1 वाले की प्रेसिडेंस होगी, H1 वाले को अलग दिखाएगा जो H1 पे लगा हुआ है। ठीक है, या इसने कहा कि यार एक और एग्जांपल है कि मैं कह रहा हूँ पैराग्राफ के ऊपर कलर लगा दो रेड, अब छः पैराग्राफ में छः हो पे लग गया रेड, लेकिन अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि पैराग्राफ के अंदर जो बोल्ड का टैग है उस पर लगाओ, तो ये वाला कम स्पेसिफिक है, ये ज़्यादा स्पेसिफिक है। ठीक है, तो जो ज़्यादा स्पेसिफिक होगा रूल वो लग जाएगा। बल्कि हमने कल की क्लास में ये एक्सपेरिमेंट, हमारे साथ एक इंसिडेंट भी रहा कि वो एक रूल में अप्लाई कर रहा था, वो हो नहीं रहा था, तो पता चला कि ऊपर वाला ज़्यादा स्पेसिफिक था, इसलिए उसकी प्रेसिडेंस ज़्यादा बढ़ जा रही थी। अच्छा, उसके अलावा इम्पॉर्टेंट करके हम मेंशन भी कर सकते हैं कि जी इसका जो है ना आप इसको जो है ना प्रेसिडेंस आपने ज़्यादा देनी है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट करके हम लगा सकते हैं। अच्छा, ये कोई अच्छी प्रैक्टिस किन दोनों में से, सर पी बी और पी, ये इन तीनों में से। अच्छा, इन तीनों में से जो है ना ये वाले की प्रेसिडेंस लेगा ये। ठीक है, ये वाली की प्रेसिडेंस लेगा, क्योंकि ये पी और बी यहाँ पे भी लगा हुआ है, पी और बी यहाँ पे भी लगा हुआ है। अच्छा सर, इसमें फर्क पड़ेगा अगर हमने H1 ऊपर लगाया और पैराग्राफ नीचे लगाया, हम पैराग्राफ को पहले स्टाइल कर दें और H1 को बाद में स्टाइल करें, उसमें भी फ़र्क आएगा? नहीं, इसमें फ़र्क तो नहीं आएगा, वो इसलिए नहीं आएगा क्योंकि वो अलग अलग एलिमेंट हैं। अगर मैं ये करूँ ना कि H1 को मैंने पहले यहाँ पर स्टाइल दे दिया, अब फिर मैं पैराग्राफ के बाद दोबारा H1 को दे दूँ, तो फिर ज़ाहिर H1 चेंज हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर H1 एक मुख्तलिफ टैग है, एक मुख्तलिफ सेलेक्टर है, और जो ये पैराग्राफ है या ये बोल्ड का जो टैग है ये एक मुख्तलिफ सेलेक्टर है, तो मैं पहले इसको लिख दूँ या पहले H1 को लिख दूँ, एक ही बात है, ऑर्डर से कोई फर्क, ऑर्डर से फ़र्क नहीं पड़ता। सर ये मतलब इसका मतलब है कि कोई गलती हो जाए, जैसे H1 का कलर चेंज करना, तो पीछे आगे मिटानी जरूरत नहीं, आगे जाके उसको बदल दो। नहीं, वैसे तो पीछे जाके मिटाने की ज़रूरत है, क्योंकि कोडिंग में जो पहली आइट्रेशन आप करेंगे वो तो सीधे तरीके से करेंगे ना। हाँ, लेकिन ये कि भाई समटाइम ऐसा होता है कोई ऐसी मिस्टेक आ जाती है जो आपको फौरी तौर पे सही करनी है, तो आप उसके लिए लास्ट में लिखते हैं, अब चलते हुए कोड को छेड़ते नहीं हैं, लास्ट में सिर्फ एक छोटा सा रूल लिखते हैं और उस ओके कर देते हैं। 100% लिखा हुआ है फॉन्ट साइज़ में, 100% लिखा हुआ है। 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है 16 पिक्सल। ठीक है, अभी इंशाल्लाह फॉन्ट वाले चैप्टर में हम ये बात डिस्कस करेंगे कि फॉन्ट के साइज़ का ना बाकायदा एक स्केल बना हुआ है, उसके ज़रिए फॉन्ट का साइज़ जो है वो नापा जाता है, तो ये उसका 100% बता रहा है। अच्छा जी, इनहेरिटेंस का क्या चक्कर है कि जी, अब ये कैस्केड में ही शामिल है ये भी, कि जी कैसे वो फैलेगा सी एस एस का रोल,
कैसे सब जगह पर जो है ना वो प्रोपेगेट होगा। अच्छा तो इनहेरिटेंस का क्या चक्कर है कि कुछ CSS की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो इनहेरिट हो जाती है। मिसाल के तौर पे जो पेरेंट के ऊपर स्टाइल लगा हुआ है ना वो ऑटोमेटिक चाइल्ड को खुद ही लग जाता है, ठीक है। जैसे कि कलर, अगर आपने एक डिव को बोला कि यार इस डिव का कलर रेड कर दो, तो वो ना सिर्फ उस डिव का कलर रेड होगा यानी कि टेक्स्ट का कलर रेड होगा, बल्कि उस डिव के अंदर जितने मजीद हैं ना उनका भी कलर रेड हो जाएगा। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं जी कि इस डिव पे लगा दो बॉर्डर, तो बॉर्डर जो है वो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी नहीं है, वो इनहेरिट नहीं होती है। अच्छा, आप कैसे पता चलेगा कि कौन सी इनहेरिटेड है कौन सी नहीं है? ये आप हर एलिमेंट को अलग से गूगल कर सकते हैं कि जी इस पे जो कौन कौन सी स्टाइलिंग लगती है और उनमें से कौन सी इनहेरिटेड है और कौन सी इनहेरिट नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि बहुत ही ऑब्वियस हैं जो इनहेरिट होने वाले हैं ना, जैसे आप देखें बॉर्डर है ना कि जी बॉर्डर एक पिक्सल का आ गया, वो इनहेरिटेड नहीं है। अगर वो इनहेरिटेड होता, आप सोचें, आप अगर लगाते एक डिव पे बॉर्डर या आपने पूरी बॉडी पे बॉर्डर लगा दिया, तो क्या होता, बॉडी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं वो सब पे डब्बा डब्बा बना हुआ जाता है। तो इट इज़ नॉट सपोज टू बी इनहेरिटेड, इसलिए उसको इनहेरिट नहीं किया, ठीक है, अदरवाइज कर सकते थे उसको भी। अच्छा, कलर जो है ऑन अदर एंड, कलर अगर मैं बोलता हूँ ना किसी डिव का कि जी कलर आपका हो जाए ग्रीन, तो उसके टेक्स्ट का कलर ग्रीन हो जाएगा, बट ना सिर्फ उस डिव का होगा बल्कि उस डिव के अंदर मौजूद जितने भी एलिमेंट हैं उन सबका कलर जो है वो वही हो जाएगा यानी कि ग्रीन हो जाएगा जो मैंने बताया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने इसका एक्सपेरिमेंट करके देखा हुआ है कि जी ये एक डिव है जिसके ऊपर पेज बना हुआ है क्लास, और इस पेज के ऊपर ये चीज़ें अप्लाई करते हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड कलर अप्लाई करते हैं, तो ये बैकग्राउंड कलर सब पे लग जाता है, जितने भी अंदर एलिमेंट है सब पे अप्लाई हो जाता है। बॉडी में सर वो जो फॉर्म यूज़ किया वो भी सब पे जाएगा। हाँ, अच्छा, बॉर्डर जो है ये नहीं होगा इनहेरिट, क्योंकि बॉर्डर इनहेरिट नहीं होता। अच्छा, अब कोई अगर प्रॉपर्टी जैसे पैडिंग है, पैडिंग भी बाय डिफ़ॉल्ट इनहेरिट नहीं होती है, लेकिन अगर मैं चाहता हूँ कि भाई पेरेंट से ये इनहेरिट कर ले खुद ही, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रॉपर्टी के आगे इनहेरिट लगा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, वाई एक्सटर्नल CSS ये हम पढ़ चुके हैं कि जी क्यों, जी कोई बता पाएगा ये क्यों? स्पेस हाँ भाई, क्यों एक्सटर्नल CSS क्यों, इंटरनल को मना क्यों कर रहे हैं? इंटरनल अगर हम करते हैं तो बहुत ज़्यादा स्पेस ले देता है स्क्रीन पे, उसको शार्प करने के लिए एक्सटर्नल शीट बनाई जाती है ताकि अलग से स्टाइल कर सकते। हाँ जी, एक दोस्त कह रहे हैं कि जी स्पेस बहुत ले लेते हैं वो। हाँ भाई बताओ, आगे से पढ़ते जा रहे हो और जो है पीछे से सब भूलते जा रहे हो तुम लोग। अब मैंने ये डिटेल में बताया था तुम लोगों को कि एक्सटर्नल CSS क्यों वाई, और अभी तुम लोग भूल के बैठ गए। इंटरनल हमने दो पढ़ा है ना, एक इंटरनल CSS एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल वो होता है जिसके अंदर हम फाइल बनाते हैं, है ना, और इंटरनल कौन सा होता है जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ये इंटरनल है कि सेम HTML की ही फाइल के अंदर जो है ना वो आप CSS भी लिख देते हैं। तो ये जो होता है वो क्या होता है, इंटरनल हो जाता है। तो अब यहाँ पे इन्होंने बोला कि जी एक्सटर्नल स्टाइल शीट ही आपको चाहिए, तो वो क्यों चाहिए वो यहाँ इन्होंने डिस्कस किया। तो ये मैं आपको पहले बात बता चुका हूँ, तो ज़रा बताओ मुझे क्यों एक्सटर्नल स्टाइल शीट क्यों, ये जब हेलो वर्ल्ड बना रहे थे हम, जब भी मैंने बताया था यही, तो जब ही तो मैं कह रहा हूँ आगे से पढ़ते जा रहे हो पीछे सब भूलते जा रहे हो। अच्छा, एक्सटर्नल स्टाइल शीट का रीज़न ये होता है कि अगर जैसे मैंने एक नैव बार बनाया हुआ है, तो हमने ये देखा है चार पेज वाली वेबसाइट में कि नैव बार चारों पेजेस पे एक जैसा दिखाना होता है हमें, है ना, तो उस पर स्टाइलिंग जो है वो उसकी तो चारों की एक जैसी है, तो क्या मैं वो चारों स्टाइलिंग चार पेजेस पे अलग अलग करूँगा? नहीं, वो स्टाइलिंग में करूँगा एक फ़ाइल में, और वो फ़ाइल होगी CSS की फ़ाइल, और उस फाइल को मैं चारों पेजेस के साथ अटैच करूँगा, ठीक है। ये इंशाल्लाह भी हम फ्लेक्स बॉक्स पढ़ेंगे तो ये हम करके भी देखेंगे कि हम कैसे स्टाइलिंग उसकी कर रहे होते हैं।
फ्लैक्स बॉक्स हमने नहीं पढ़ा ना अभी तक, नहीं पढ़ा तो वो ज़रा मार्जिन पैडिंग तक हम पहुँच जाएँ तो फिर जो है ना हम फ्लैक्स बॉक्स को डिस्कस करते हैं। तो जी एक्सटर्नल स्टाइल शीट जो है ना हमें हमेशा यूज़ करते हैं। अच्छा डिफरेंट वर्जन एंड ब्राउज़र क्वर्क्स। अच्छा कुछ पुराने जो ब्राउज़र है ना उसमें क्या होता है कि जी आपको ना प्रॉपर्टी ज़रा थोड़े से डिफरेंट नाम से मिलती है समटाइम। तो इस बुक में ही आगे ना जहाँ पे CSS ये डिस्कस हो रही है आगे, तो वहाँ पे जहाँ पे ड्रॉप शेडो वगैरह लगा हुआ है या जो है ना कहीं पे वो और भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें क्या होता है जी कि ना वो साथ में थोड़ा सा हमें एक नाम लगा के देता है कि वेब किट डैश ड्रॉप शेडो ऐसे करके। तो वो कुछ पुराने ब्राउज़र को सपोर्ट के चक्कर के लिए होता है वो, लेकिन स्टिल हम बहुत ज़्यादा पुराने ब्राउज़र्स को आम तौर पे सपोर्ट हम नहीं कर रहे होते हैं। यार मैं एक बंदा ज़रा जाके उनको बोला यार ये बंद कर देना भैया, बहुत शोर हो रहा है, उनको जाके तुम चले लो, इनको बोले यार अंदर में क्लास हो रही है तो ना ये ज़रा ड्रिल यार आगे कर लें उस तरफ जाके, यहाँ इधर का बाद में कर लें। CSS का वर्जन जो है वो 3 चल रहा है अभी, ये 3 हम पढ़ रहे हैं और जब भी हम लोग अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हैं वो भी 3 है।